की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां दो एक दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी, मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। आमार प्रियो मां बोन भाइयों बांधुरा, तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त बंगाल में हैं, लेकिन उन्होंने जो है ये जरूर कहा है कि उत्तराखंड के लोगों में हौसला बहुत है और हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर ये जो आपदा आई है इससे हम लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल सके। डीएम पौड़ी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो आसपास के इलाके हैं आपके जहां पर ये खतरा बढ़ सकता है, वहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या लोगों को हटाया जा रहा है जो निचले इलाके हैं वहां से? हमारे एसडीआरएफ की टीम पूरी लगे हुई है, हमारे एसडीएम एडीएम वहाँ पे सारे लगे हुए हैं जी। तो नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उन लोग को सुरक्षित स्थानों पर हम लोगों ने पहुंचा दिया है। और जो झील के उसकी डैम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे जीवी के जो वो डैम है रत्ना नंदी पे बना हुआ जी, उसका जलस्तर भी हम लोगों ने कम करवा दिया है। लेकिन जिस गति से नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, उस हिसाब से ये लगता है कि वो जो इंटेंसिटी पहले थी वहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई। उस हिसाब से लग रहा है कि अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। फिर भी हमारी टीम लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। और हमारे जिले से भी वहाँ पे चमोली जिले के लिए हमने एसडीएम वगैरह हमने रवाना कर दिए हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे हमारे डिविजनल जो कमिश्नर है मिस्टर रमन सर, तो उनका एक डायरेक्शन आया था कि हम लोग को एसडीएम भेज रहे हैं, तो हम लोगों ने एसडीएम भी वहाँ पे रवाना कर दिए हैं। मदद यानी पौड़ी की तरफ से भी दी जा रही है। शुक्रिया आपका धीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पौड़ी गढ़वाल के डीएम धीरज सिंह हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि जिस जो अब रफ्तार है, जो स्पीड है नदी की, उसे देखकर लगता नहीं कि कोई खतरा होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जो निचले इलाके हैं उनको खाली करवा लिया गया है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है ताकि और ज्यादा नुकसान इस आपदा की वजह से ना पहुंचे। बहरहाल दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर, आपदा के बाद राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, साथ ही साथ जो जिन लोगों की मौत हो गई है उनके शवों को बाहर निकाला जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर उस तबाही की तस्वीर है जो आई, जिसने सबको डरा दिया, दहशत में ला दिया और भारी तबाही भी इसकी वजह से उत्तराखंड को एक बार फिर से झेलनी पड़ी है। हालांकि अब हालात पर काबू करने की कोशिश की जा रही है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पानी का वेग है, जो स्पीड है पानी की, वो अब काफी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अब खतरा थोड़ा कम हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि एहतियातन
अभी भी जो अलर्ट है वो जारी किए हुए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को अब बंद कर दिया गया है, किसी को भी ऊपर जाने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। मुसाफिरों के लिए भी जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, यानी कि जो लोग ऊपर गए भी हुए हैं वो लोग भी अभी नीचे नहीं आ सकते हैं। पूरी तरीके से प्रशासन नजर बनाए हुए है, साथ ही साथ हरिद्वार में भी अलर्ट जारी है और हर जगहों पर अलर्ट जारी है कि घाटों के पास लोग ना जाएं और नदी में उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी का प्रवाह तेज हो सकता है और उसकी वजह से ये जो तबाही है वो और भी ज़्यादा हो सकती है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं आज इस तबाही की, इस आपदा की। दरअसल जोशी मठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर ये ग्लेशियर टूटा, जिसकी वजह से ये आपदाई है, जिसके चलते धौला नदी में बाढ़ आ गई और इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। अभी आप उत्तराखंड के डीजीपी को सुन रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे वो मिसिंग है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि अभी तक संख्या भी क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर कितने लोग थे जो उस वक्त ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जो इस तबाही का शिकार हुए हैं, जो इस आपदा का हुई है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी तपोवन में जो एनटीपीसी है वहां पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा है, वहां पर भी आपदा ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वहां से जरूर ये जानकारी मिल रही है कि जो लोग तरल में फंसे हुए हैं वो 15 से 16 लोग हो सकते हैं, जिनको बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल की अगर आपको अपडेट्स बता दें तो अपडेट्स यही है कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और आईटीबीपी के जवान भी उनके साथ मौजूद हैं और वहां पर हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए। मेडिकल के लिए भी वहां पर टीमें मौजूद हैं ताकि अगर कोई घायल वहां पर मिलता है जिसे तुरंत मेडिकल की जरूरत पड़े, जिसे तुरंत इलाज की जरूरत पड़े, उसे मौके पर ही तुरंत इलाज दिया जाए। तो आज सुबह उत्तराखंड में ये आपदा आई, एक बार फिर से उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरें देखने को मिली और मंजर इतना भयावह था कि हर किसी की रूह कांप गई, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन में देख भी रहे हैं। अब दो तस्वीरें हम आपको, तीन तस्वीरें माफ कीजिएगा, आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। अभी जो पानी का प्रवाह है, जैसा हम बार बार आपसे कह रहे हैं, उस की तरफ से जरूर थोड़ी सी राहत मिल रही है कि वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जिस वक्त ये तबाही आई थी उस वक्त कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस वक्त कितनी भयंकर हालात हो गए थे। और जो तीसरी तस्वीर है वो राहत बचाव कार्य की है। और जब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और उन्होंने बताया है कि अभी फिलहाल नदी का जो प्रवाह है, जो स्पीड है, वो काफ़ी कम हो चुकी है और इसी वजह से अब निचले इलाकों में खतरा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बाढ़ की जो आशंका जताई जा रही थी फिलहाल वो आशंका अभी कम हो गई है, क्योंकि पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। कर्णप्रयाग का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया है, ये कर्णप्रयाग का वीडियो है और इस तस्वीर को देखकर आप थोड़ी राहत जरूर समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड है नहीं इस पानी की, बहुत ज़्यादा प्रवाह है नहीं इस पानी का, इस वजह से निचले इलाकों में अभी थोड़ा खतरा कम हो गया है। लेकिन फिर भी हालातों को समझते हुए जो निचले इलाके हैं उन सभी में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। आपदा प्रबंधन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और जितने भी इलाके हैं जो कि पानी से लगते हुए हैं, यानी नदियों के आसपास के जितने भी इलाके हैं, उन सभी को अब खाली करवाया जा रहा है। खासकर जो घाटों से लगते हुए इलाके हैं उनको खाली करवाया जा रहा है, मुनादी की जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि फिलहाल अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुँचें। एनटीपीसी प्रोजेक्ट से अब तक 6 शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी और भी कैजुअलिटी हो सकती है, अभी ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। अभी जो आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग थे जो फंसे हुए हैं, कितने लोग थे जो उस वक्त वहाँ पर काम कर रहे थे, जिनको नुकसान पहुँचा है, लेकिन फिलहाल जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और वहीं पर काम चल रहा था, वहाँ पर मजदूर थे, कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे, उनकी संख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है। धीरे धीरे करके जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर और भी ज़्यादा तेज़ होगा, जब स्थिति क्लियर होगी तो पता चल पाएगा कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये डराने वाली तस्वीरें, आपदा की ये डराने वाली तस्वीरें हैं जो आज उत्तराखंड से सामने आई हैं। जोशी मठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर ग्लेशियर टूटने की वजह से ये इतनी बड़ी तबाही आई है, ये इतनी बड़ी आपदा आई है। जो तस्वीरें सामने आई
जिस तरीके से वो मलबा बहता हुआ सामने आया, उसने सभी को डरा दिया, उसने सभी के मन में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि वो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो तबाही करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब उन इलाकों में तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हालांकि जो राहत की बात है वो यही है कि जो निचले इलाके हैं जहां पर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बाढ़ आ सकती है, कोई खतरा पैदा हो सकता है, वहां पर अभी ये संभावनाएं ना के बराबर नजर आ रही हैं, क्योंकि जो पानी है उसकी स्पीड अब कम हो चुकी है, जो प्रवाह है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये उम्मीद थोड़ा कम समझी जा रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई फंसा हुआ है तो वो इन नंबर्स पर कॉल करके मदद की मांग कर सकता है, उसे जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ मेडिकल की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम जो आसपास के अस्पताल हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, जो बेड की व्यवस्था है वो वहाँ पर ठीक कर दी गई है, कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द इलाज मिल जाए, ये कोशिश सरकार की तरफ से है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे और उन्होंने तमाम हालातों को देखा था और फिर उसके बाद लोगों को जानकारी भी दी थी। बार बार ये कहा जा रहा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मौके पर चल रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए अब एहतियातन जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, जो जितने भी डैम्स रास्ते में आते हैं उसका पानी छोड़ दिया गया है, ताकि अगर ऊपर से तेज़ी के साथ पानी आता है तो वो डैम उस प्रवाह को झेल सकें, उसे वहां पर कंट्रोल कर सकें और इस आपदा का नुकसान निचले इलाकों में ना हो, ये कोशिश की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, वो इलाके जो सबसे ज़्यादा आपदा ग्रसित हो सकते हैं, जहाँ पर आपदा आ सकती है, उन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, ताकि लोगों को नुकसान ना हो, उनकी जान को बचाया जा सके। तो चमोली के रेड़ी गांव में ये जो ग्लेशियर है वो टूटा, जिसकी वजह से ये आपदा आई, जिसकी वजह से भयावह तस्वीरें आईं जो कि आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहली तस्वीर उस वक्त की जब तबाही का मंजर अपनी आंखों से सपने देखा, और एक तस्वीर थोड़ी राहत देने वाली है, ये तस्वीरें कर्णप्रयाग की जो कि खुद सीएम ने ट्वीट की थी। और अभी आपको मैप के जरिए देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इलाके हैं वहाँ वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए जोशीमठ वो जगह है जहाँ पर ये ग्लेशियर टूटा था, उसके आसपास के जो इलाके हैं उन पर खतरा मंडराया। तपोवन जहाँ पर NTPC था वहाँ पर नुकसान हुआ। इसके बाद कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ चमोली से जो निचले इलाके हैं यानी श्रीनगर और ऋषिकेश, यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन जो हाईवेज हैं उनको बंद कर दिया गया है, ताकि अगर ये आपदा और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है तो इसमें जान का नुकसान ना हो, लोगों को सुरक्षित रखा जाए, ये कोशिश की जा रही है। तो इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि कहां कहां पर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए कर्णप्रयाग और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि जो घाटों के इलाके हैं वहाँ पर आप ना जाए। पल पल की अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज जोशीमठ से जो तस्वीरें आई वो बेहद डरावनी थी और भयावह थी, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कितने लोगों की वहां पर मौत हुई है और कितने लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि सुबह ये आपदा आई, एक ग्लेशियर जो है वो टूटा और फिर जब वो आगे बढ़ा तो अपने साथ सबको समेटते हुए बढ़ता चला गया, और इसकी चपेट में जो सबसे पहले आया वो था ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, जहां पर काम चल रहा था, वहां पर कितने लोग थे, वहां पर क्या कुछ हुआ, वो लोग कहां हैं, ये जानकारी नहीं मिल पा रही अभी तक, यानी वो सभी लोग अभी लापता हैं। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद जब ये जो मलबा था, ये पूरा जो ग्लेशियर था, ये जो पूरी तबाही थी, जब NTPC की तरफ पड़ी तो वहां पर भी तबाही हुई है। वहां टनल में अभी 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है, और जो मुश्किल है सेना के आगे, रेस्क्यू दल के आगे, वो ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो चुकी है और इसी वजह से रेस्क्यू करने में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब मलबा ऊपर की तरफ से आता है और अपने बाद में जब तबाही अपने निशान छोड़कर जाती है तो बहुत कीचड़ वहां पर हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के जो काम करने वाले मजदूर हैं वो लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है और उन्हीं को ढूंढने की अब कोशिश भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मौके पर। हालांकि अगर हम बात करें
प्रशासनिक अमले की, तो पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है और जहां जहां पर अभी तबाही की आशंका है वहां पर अभी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को समझाया जा रहा है कि पानी के नजदीक ना जाएं, घाटों से दूर रहें, साथ ही साथ जो निचले इलाकों में घर हैं उनको भी अब कहा जा रहा है कि आप अपने घर छोड़कर ऊपर की तरफ जाइए।